कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल राखी सावंत जैसे, जो एक्सपोज करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बिना किसी तथ्य। राखी सावंत से मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैं उनका पुराना प्रशंसक हूं। ये मैसेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने मुझे भेजा है, जिसे मैं ट्वीट करने से रोक नहीं सका खुद को। इस ट्वीट के जरिए राखी सावंत को निशाना बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान इस तरह के आते रहते हैं, चाहे किसी के बचाव में दें या किसी पर आरोप लगाते हुए दें, लेकिन ताजा जो बयान है, एक तरह से वो कह रहे हैं कि मैं रीट्वीट कर रहा हूं किसी और एक छात्र का जो ट्वीट है, क्योंकि जाहिर है इससे वो इत्तेफाक रख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जितने भी एक्सपोजे करते हैं अरविंद केजरीवाल, वो बिना तथ्यों के होते हैं। सीधा सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पर है, जरिया राखी सावंत को बनाया है, लेकिन राखी सावंत से साथ साथ में माफी भी मांग ली है और ये भी कह दिया है कि उनका मैं पुराना प्रशंसक हूं। देखना है कि इस पूरी जो तुलना सामने आई है, इससे राखी सावंत को बुरा लगता है या फिर अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो अपनी बात बोलकर फिलहाल निकल लिए हैं। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से कहा है इन चीजों को, वो हम आपको दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह का ताजा बयान अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए, इससे पहले उन्होंने एक सवालों की फेहरिस्त उनके पास भेजी थी जिसका कोई जवाब आया नहीं था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन अब जो बयान उन्होंने दिया है वो सुनिए। वो ये जो ट्वीट जो है कि अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर, दे ट्राई एंड एक्सपोज बट विथ नो सब्सटेंस। जैसे अब अरविंद केजरीवाल जी ने दुनिया भर के आरोप लगा दिए, लेकिन सब घिसेपिटे आरोप लगाए जिनका कोई नयापन नहीं था। ये सारे पहले आ चुके हैं, तो ऐसा कौन सा नयापन था? इसलिए मैं मीडिया से ये कहूंगा, कुछ नया आरोप लगाए, कुछ अच्छा आरोप लगाए तो हम लोग इस पर ध्यान भी दें। ऐसे घिसेपिटे आरोप से क्या होता है? अपने आप को कल उन्होंने डेंगू का मच्छर बताया सरकार के लिए। वो डेंगू के मच्छर सवाल ही नहीं उठता। वो अपनी तुलना अगर डेंगू की मच्छर से कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो। तो दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि वो ट्वीट आखिर उन्होंने क्यों किया और किस तरीके से किया, उसके मायने क्या है, वो खुद उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। यानी यहां पर मतलब निकालने का मतलब ही नहीं बनता है। सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है, कहा है एक्सपोज करते हैं लेकिन तथ्य नहीं होते हैं उनके पास, सब्सटेंस नहीं होता है। इससे पहले कल जब टीम अन्ना मिली थी, उसके बाद मेधा पाटकर ने इस तरह का बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ इस तरह से खुलासे करते रहने से कोई मकसद पर नहीं पहुंच पाएंगे अरविंद केजरीवाल। नाम नहीं लिया था उन्होंने, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जब भी कोई इस तरह का खुलासा होता है तो उसे फॉलो अप करना जरूरी है, एक जन आंदोलन की जरूरत होती है। दिग्विजय सिंह ने हालांकि उस मामले, उस बयान से उनका लेना देना नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर निशाना अपनी ट्वीट के जरिए जरूर लगा दिया कि राखी सावंत की तरह है अरविंद केजरीवाल, वो एक्सपोज करते हैं बिना सब्सटेंस के, बिना तथ्य के। अरविंद केजरीवाल पर निशाना, राखी सावंत से माफी साथ ही साथ उन्होंने मांग ली थी। राखी सावंत जैसे हैं अरविंद केजरीवाल, वो दोनों एक्सपोज करना चाहते हैं लेकिन बिना किसी तथ्य के। राखी सावंत से मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैं उनका पुराना प्रशंसक हूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने मुझे ये मैसेज भेजा था जिसे मैं ट्वीट करने से खुद को रोक नहीं सका। इस ट्वीट से राखी सावंत को निशाना बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। यानी कि जिससे निशाना बनाना था वो है अरविंद केजरीवाल, उन्हें निशाना बनाया, उन्हें राखी सावंत से तुलना की, राखी सावंत से लेकिन साथ ही माफी जरूर मांगी।